नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्ला कर बोला, बाबू यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। धम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ उसके दो सींग हैं। हाँ 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 हो हो हो। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वो बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के दो सींग, हमारे राजा के दो सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वो गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुंकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वो गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वो तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान।